healthy. Healthy eating should be complete and balanced. Welcome back to my channel Aisha's Planet. मैं हूँ आयशा सिद्दीका और आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के सामने एक नया वीडियो. बहुत दिनों बाद कैमरा उठाया है और फुसका खाने का बहुत मन कर रहा है, तो सोचा क्यों ना आज फुसका बना लेते हैं. घर में रेडीमेड फुसका है, लेकिन उसे भी बनाने का तरीका है और कैसे बनाते हैं और किस तरह से हम इसे एंजॉय करेंगे, चलिए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं. ये रहा मेरे सामने दो तरीके का रेडीमेड फुचका का पैकेट, जो आसानी से मार्केट में मिल जाता है और ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको. ये है एक किस्म का पैकेट, यानी कि एक ब्रांड का, और ये एक दूसरे ब्रांड का पैकेट. तो ये रेडीमेड पानी पूरी, जिसे हम फुचका भी बोलते हैं, तो ये रेडीमेड पानी पूरी का पैकेट्स है. पैकेट्स के अंदर गोल गप्पे का पूरी और जितने भी मसाले हैं सारे एक साथ पैकिंग किए होते हैं. इसमें भी, इसमें थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा है और देखते हैं कितना है इसमें आपका. ये है न्यूट्री डाइट का हेल्दी मल्टीग्रेन वाला पानी पूरी किट, और इसके अंदर आपका गोल गप्पा, पानी पूरी मसाला, खट्टा मीठा पानी, मीठी सौंठ, चटनी, ये सारे हैं. गोलगप्पे का पूरी शायद 50 पीस है, इसमें लिखा हुआ नहीं मिल रहा है मुझे, क्योंकि मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ तो मुझे अंदाज़ा है इसमें 50 पीस जैसा है. और इस पैकेट में है 70 पीसेस, गोलगप्पे का पीसेस है 70. और इसके अंदर का जो सामग्री है इसमें आपका इसके अंदर है टमरिंड, ब्लैक सॉल्ट, चिली पाउडर, स्पेशल फुचका मसाला, जलजीरा, खट्टा मीठा मसाला, ये सारे होममेड प्रोडक्ट है यहाँ पे लिखा हुआ है. और किस तरह से बनाएंगे इसका भी प्रोसेस बताया गया है. इसमें भी सेम, क्योंकि इसमें पीसेस ज़्यादा है और घर में खाने वाले लोग भी कम, तो मैं ये वाला पानी पूरी का पैकेट आज यूज़ करूँगी बनाने के लिए और साथ ही साथ आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी. चलिए तैयारी करते हैं पानी पूरी यानी कि फुचका का. आलू लिए हैं बॉईल करने के लिए, क्योंकि गोल गप्पे के लिए आलू की ज़रूरत होगी, मैश्ड पोटैटो की. तो सबसे पहले मैं इसे गैस पे चढ़ा देती हूँ बॉईल के लिए. तो अंदर का जो सामग्री है उसको निकालेंगे एक एक करके. ये रहा आपका मीठी सौंठ चटनी, ये है खट्टा मीठा पानी, और ये है गोलगप्पे का जो पूरी. देखते हैं इसको, जो मीठी सौंठ चटनी को बनाने का प्रोसेस. इसे आधा कप पानी लेके हमें इसे अच्छे से बॉईल करना है 5 मिनट तक लो फ्लेम में, और उसके बाद ठंडा कर, उसके बाद इसे ठंडा करके यूज़ करना है गोलगप्पे के साथ. और अभी दूसरा वाला जो है खट्टा मीठा पानी, इसको बनाने के लिए इसे 500 ml चिल्ड वाटर ठंडा पानी में डाल के इसे अच्छे से मिक्स करना है. और पैकेट के अंदर खट्टा मीठा पानी भी है और पुदीना चटपटा पानी भी है. देख लेते हैं, पैकेट भी निकला. ये रहा पुदीना पानी का पैकेट और ये खट्टा मीठा पानी का. तो यहाँ पे लिखा हुआ है खट्टा मीठा पानी के लिए 500 ml वाटर में 50 ग्राम डालना है. ये ऑलरेडी ये पैकेट ही शायद 50 ग्राम का ही है. पुदीना पानी के लिए हमें 1 लीटर पानी में ये पूरा पैकेट डाल देना है. यहाँ पे शायद लिखा हुआ है 30 ग्राम इन 1 लीटर चिल्ड वाटर ठंडा पानी में, तो इसमें भी 30 ग्राम ही है ये, क्योंकि ये रेडीमेड पैकेट है तो ऑलरेडी रेडी होके ही, मतलब पूरा इंग्रेडिएंट्स एक मेजरमेंट के हिसाब से ही आता है. तो चलिए तैयारी करते हैं. सबसे पहले तो ले लेते हैं 2 बाउल, लगभग 2 से 3 सीटी, और हमारा आलू भी बॉयल हो चुका है तो इससे गैस को ऑफ कर देते हैं. ये 1/2 लीटर का मग है, इसमें मैं
देखिए मैं हाफ लीटर चिल्ड वाटर ले रही हूँ। तो ये लगभग हाफ लीटर चिल्ड वाटर मैंने एक बॉल में, खट्टा मीठा पाउडर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तब हमारा ये जो पाउडर है थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, भिगो के रखेंगे इसे। और इधर पुदीने के पानी के लिए 1 लीटर चिल्ड वाटर कहा गया है, लेकिन मैं इसमें भी 1/2 लीटर ही यूज़ करूँगी, नहीं तो थोड़ा ज़्यादा ही पतला हो जाता है। स्वाद के हिसाब से 1 लीटर यूज़ कर सकते हैं, बस मैं यहाँ पे 1/2 लीटर पानी ही यूज़ कर रही हूँ। और मैं अभी इस पानी में ये जो पुदीना का पाउडर है ये डाल रही हूँ और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि ये पाउडर जम नहीं गया था। तो ये भिगो के 1/2 घंटा के लिए हम छोड़ देंगे, तो ये पानी अच्छे से सेट हो जाएगा, इसका जो स्वाद है ये परफेक्ट मिलेगा। तैयारी करते हैं मेथी सौंठ की चटनी का। लगभग 1/2 कप पानी हमने गैस पे चढ़ाया और इस पाउडर को डाल दिया। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से एक रेडीमेड पैकेट ला के घर में इंस्टेंटली बहुत ही आसानी से गोलगप्पा एंजॉय कर सकते हैं। एक बार बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए तो हम इसका फ्लेम लो कर देंगे और पूरे 5 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम में ही पकने देंगे। पूरे 5 मिनट तक लो फ्लेम में पक गया है और अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हमारा जो बॉयल आलू है इसे भी निकाल लेते हैं। आलू की फिलिंग के लिए जो गोलगप्पे में हम यूज़ करेंगे इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं और इसका भी इस तरह से छिलका निकाल लेंगे, क्योंकि गोलगप्पे की पूरियां तलना है तो सफिशियंट रिफाइंड ऑयल ले लिया है मैंने। और इसे अच्छे से गरम कर लेंगे। तो तेल हमारा गरम हो चुका है और इसमें एक एक करके गोलगप्पे तलना शुरू कर देंगे हम। देखिए आग को मीडियम से लो कर दीजिए, मैंने मीडियम रखा है। इस तरह से एक एक करके सारे पूरियों को हमें तलना है। इतनी अच्छी तरह से गोलगप्पे का जो पूरी है फ्लफी हुआ है, पूरा पानी पूरी का पूरी परफेक्ट बना है। ये हमारा पानी पूरी भी तैयार हो गया है, छील के रखा है, इसे मैश करेंगे। ये मीठी सौंठ की चटनी, ये रहा पुदीने का पानी और ये खट्टा मीठा पानी। देखिए कितनी अच्छे से मिक्स हो गया है, एक भी सॉलिड टुकड़ा नहीं है इसमें, पूरा गल गया। इसमें और क्या डाला, प्याज, जीरा, धनिया, चिली और अभी फुसके की तैयारी हो रहा है। ये क्या है, ये क्या है, ये बाद में डाल के खाएंगे। और ये कौन क्या खा रहा है कुड़ुत कुड़ुत करके, ये तुम्हारा मुच्छी है नाक के पास, क्या है ये? अरे चूहा, तुमने किस में डाल दिया, पूरा डाल दिया। मैं भी शुरू हो जाती हूँ, इसमें डालूँ, इसमें मिलाऊंगी थोड़ा सा पुदीने का पानी और ये हमने भी लगाया।
कैसा है? बहुत टेस्टी है। उसके वाले भैया आपने तो अभी तक खाया भी नहीं, तैयारी में लगे हुए हैं। आप शीन खाया नहीं पर टेस्टी है। ऐसा नहीं करते। ये है अल्टीमेट। हमने क्या खाया? मैंने तो पूरा प्लेट खत्म कर लिया। आलू हवा का मिठाई टेस्टी है ना? आ बाप रे।